चलिए जुड़ जाए जा आप लोग, जितना लोग लाइव है हमारे देख रहा बनी हो रहे। आज बहुत सारा बाप सबसे बात करे के बाद और ये लाइव के शेयर कर दी जाए। चलिए हमने के सावन के गाना रेडी हो चुकल बा और दो चार दिन के अंदर में आप सबके बीच में हमने के गाना आई। गाना बजाना के साइड करते हुए आप लोग से बात करत हनी, एगो वीडियो हम देखनी है यूट्यूब पे। खेसारी भैया की यूट्यूबर है महेश पांडे जी, वहां के काल कहीं होटल में बुला के केहू के इंटरव्यू देवे के बहाना से कोनो महिला रही और वहां के पकड़ के और वहां संगे बहुत ज्यादा बदतमीजी कल गई बा। एक चीज हम पूछल चाहत हनी कि कहाँ के क्षत्रिय के नियम है, एगो राजपूत के धर्म कहाँ के है कि कोनो एगो ब्राह्मण परिवार के आप लोग से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हम दो चीज पे आज बात करब। एक चीज कि एगो ब्राह्मण के आप पकड़ के और आप उसको 15 लोग मिल के शराब पिला रहे हैं, आप उसको नंगा करके वीडियो ले रहे हैं, वीडियो बनाए हैं, आप उससे जबरदस्ती बोलवा रहे हैं कि बोलो भोजपुरी का सलमान खान कौन है, आप ये कहां की हरकतें हैं? आप किसी खेसारी लाल यादव को लोगों को आप डरा धमका रहे हैं कि मार देंगे। आप लोग बोल रहे हैं उनके जितने साथ काम करने वाले लोग हैं, कोई लिख रहा है जियो विशाल ब्रो तो पावर एहजे से शुरू होला, यही आपका धर्म है? आप एक भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और आपको बुलवाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है ना कि एक क्षत्रिय का धर्म कहीं से ये नहीं होता है कि एक ब्राह्मण परिवार को आप जबरदस्ती पकड़ के उसको शराब पिलाइए, उसका नंगा वीडियो बनाइए। दादाशाही चला तका आप बोल रहे हैं सब लोग कि अखिलेश कश्यप तुम्हारा नंबर है, हम बोल रहे हैं कि हमारा नंबर है, हम चाह रहे हैं कि हम उस गली पे सारे गलियों पे वेलकम लिखवा दे, आप हमें मरवा दीजिए। आप मार दीजिएगा तो मार ही दीजिएगा, आप मारिएगा तो जान से मार दीजिएगा। अगर हमको सबसे बड़ा चीज कि अगर हमारा संगे कुछ होता तो ओकर जिम्मेवार डायरेक्ट पवन भैया आप है। दूसरी चीज है आप हमको मरवाइएगा चाहे आप हमको मारिएगा तो आप मार ही दीजिएगा। अगर हम जिंदा हो रहे हमारा हे पर कनपट्टी पर पिस्टलो दोनों ओर धरवा देब तब तो हमारा से जबरदस्ती ना बुलवा सके लो। पहला चीज अगर आप हमको मारिएगा तो जान से मार दीजिएगा, अगर हम जिंदा रह गए तो आपका पूरा साम्राज्य खत्म कर देंगे, ये जान लीजिएगा। तो हम गीत गौनाई में नहीं चाहत कि ये एगो रक्त भूमि बन जा। हमारा ढेर बतियावे खातिर हम लाइव नहीं आई। अगर आपको लगता है कि मार के डरवा के धमका के किसी को बोल देते हैं कि नहीं इनको घेर के मार दिए विशाल ब्रो किंग, ऐसे किंग ना होकेला। आप हमारा आपके जितने साथ रहने वाले लोग हैं सब लोग हमारा ऑफिस देखे हैं, आप आके हमको मार ही दीजिए। हम भी चाहते हैं आप कि आप मार दीजिए अखिलेश कश्यप को, आके जो उसके साथ बदसलूकी किए हैं वो हमारे साथ कर दीजिए। ये हम आपसे अब बोल रहे हैं, आज तक हमने कभी आपको उतने दिन में कभी नहीं बोला। ये हम चाह रहे हैं कि आप हमें मार दीजिए, आप हमारे साथ आके वैसा कर दीजिए, उसके बाद हमारे में अगर ताकत होगी हमारा दुनिया के नहीं बोलेगा उतना हम कैपेबल बानी कि हमारा पे अगर आई तो हम अपने आप पे आ जाए। अपने आप पे आई तो बहुत लोग के दिक्कत हुई, सारा साम्राज्य उजड़ जाये, ना देरी लगी। एक ब्राह्मण के लिए आज मैं बोल रहा हूँ। आप हर बार किसी एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं, आपके नजर में सिर्फ खेसारी लाल यादव गलत है, आपके परिवार पे बात आती है तो आपको बुरा लग जाता है। और खेसारी लाल यादव के परिवार पे जिस दिन बात आई थी, जिस दिन उसकी बेटी पे गाना गया था, आप क्यों नहीं एक शब्द बोले थे? आपको भी बोलना चाहिए था ना। हम लोग मारे थे आप तुरंत बक्सर पहुंच गए, बक्सर जाके आप क्या क्या किए वो तो हमारे गार्जियन है, उनसे मेरा घर का रिश्ता है, उनका मैं छोटा भाई हूं भतीजा हूं हम हाई, ओजा जाके आप पैर भी कह देनी। मत कीजिए ऐसा, ये भोजपुरी है, आपको गाने बजाने के लिए सुपरस्टार लोगों ने बनाया है, आप ऐसे लोगों को मत रखिए। जो लोग आप एक भी इंसान से अपने पूछ लीजिएगा कि मैंने आपको कभी पवन सिंह बोला है, आपके लोगों को कभी किसी से मैंने गाली दिया है, आपके जितने लोग हैं हमसे भी जुड़े हुए हैं सब लोग का मैं सम्मान करता हूं, चाहे वो आपका म्यूजिक डायरेक्टर हो जाए, प्रियांशु हो जाए,
या आपके जो अभी एमएमबी वाले हैं सत्यपाल भैया उनका, चाहे दीपक भैया, विक्की जी, जितने लोग हैं, मैंने कभी किसी का अपमान किया है? मैंने किसी के बारे में कभी भी किसी से उल्टा बोला है? आपको कभी गलत बोला है? लेकिन फिर भी आप लोग मुझे गाली देते हैं। एक यादव परिवार का लड़का, आप हर बार जाति का जातिवाद कार्ड खेलते हैं, ये सब चीजें सही नहीं है। जिस दिन, अगर मान लीजिए जिस दिन बात यादवों पे आ जाएगी, उस दिन आपका क्या हाल होगा? उस दिन आप क्या करेंगे? आप यही ना कि भोजपुरी में दंगा करवाना चाहते हैं, आप किसी को रूम में बंद कर रहे हैं, 15 लोग घेर के मार रहे हैं उसको, आप शराब पिला रहे हैं, उसका नंगा वीडियो बना रहे हैं और इस पे चुप रहे कोई? अरे आपको मारना ही था तो मार देते जान से, और हमें भी मरवा दीजिए। आपके पास, क्योंकि आपके पास लोग हैं, हम भी बनारस जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप घेरवा के मरवा दीजिएगा हमको, मरवाइएगा तो खत्म करवा दीजिएगा, या किसी भी, आपके पास तो बहुत सारा खोपड़ा है, आप लोगों के पास आप बहुत सारा दिमाग लगा के मरवा दीजिएगा। खेसारी लाल यादव शूटिंग कर रहे हैं, वहां मरवा दीजिए उनको। जितने भी हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार पनप रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबको मरवा दीजिए, भोजपुरी में सबको बुलवा दीजिए, दरवा धमका दीजिए कि किसी को हमारे बारे में एक भी, हमारे विरोध में वीडियो नहीं बनाना है, हमारे विपक्ष में, हमारे कंपटीशन में नहीं रहना है, सिर्फ मेरा गाना बजेगा, मैं गाऊंगा और पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री सुनेगी, तो हम लोग एग्री हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास तानाशाह है भैया, आप भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। आप एक बार अपने दिल से पूछिएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपको लोग इस तरह से पसंद किया था? जिसका कोई औचित्य नहीं है वो कहां का रहने वाला और आपके नाम में दागी लगा रहा है? मैंने कभी महेश पांडे को समर्थन नहीं किया था, चाहे किसी को भी आपके परिवार के बारे में कोई बोले, आज तक बोल दीजिएगा कि अखिलेश कश्यप ने कभी भी आप लोगों की किसी के फैमिली के ऊपर गया हो या आपको कभी अनरेस्पेक्ट बात किया हो, बिल्कुल नहीं। और ये भाई बोल रहा है कोई कि डर गया, डराए के तो बातें हटा दिए भाई, डर ना लगे ला तनिक, यो इतनी ना लगी, वो अपना माइंड से निकाल दिया सके, हम डराए वाला मर दही, डरते किसी से नहीं है। हमें आप जिस दिन हमारे साथ जाल बिछा दीजिए, आप हमें जिस दिन मारिएगा खत्म कर दीजिएगा, अगर हम जिंदा रह गए नहीं तो वो टीम में चाहे जिन जना मरले हुई है, चाहे जितना लोग के हाथ हुई ना रही, लोग गाना बजाना बंद हो जी वही दिन से, और ये औपचारिक रूप से हम घोषणा कर देंगे कि आज से मेरा गाना बजाना बंद हो गया, आज से मुझे निजी दुश्मनी किसी से निकालनी है, बदला लेना है, मैं ले लूंगा, पहला चीज। दूसरा चीज कि एक ब्राह्मण होने के नाते आज तक मैंने कभी जातिवाद का बात ही नहीं किया, आप लोग को पता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं, और मैं जब सारी दुनिया अपनी जाति के बारे में बोल रही है तो मैं क्यों नहीं बोलूं? महेश पांडे एक ब्राह्मण घर का लड़का था, एक गरीब ब्राह्मण था, आपके पास कानून था, आपके पास हर चीज था, हमारे साथ गलत हुआ था तो हमने केस किया ना, हमने सबको अरेस्ट करवाया ना, आपके पास भी अगर वो चीज है तो आप कानून का सहारा लीजिए, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो आप निश्चित होके, आप एक भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, इस चीज को बंद करवा दीजिए तो बेहतर होगा। आप किसी यूट्यूबर को पकड़वा दे रहे हैं, आपके यूट्यूबर भी पटना में रहते हैं, हम भी 100 लोग जाके पकड़ दे तब कैसा लगेगा, आपको कैसा दर्द फील होगा? मैं ये सब चीजें चाहता नहीं हूं। हम गीत गाँव नहीं करे आइलबनी भैया, और गीत गाँव नहीं करे दी, आपके बहुत सारा लोग रिश्तेदार, बहुत सारा लोग बक्सर जिला में हुई, बक्सर शहर में हुई, एक बार पता कर लेवे के हुई, हम नहीं की चाहत भैया की सब होके हम यहां से रोगा, एकदम माने रोगा बड़ भाई है, रोगा से हाथ जोड़ के प्रार्थना बा कि आप गीत गौनई के गीते गौनई तक रह दी, एकरा के आगे मत बढ़ाई, रोगा से एकदम रिक्वेस्ट बा, आई लास्ट रिक्वेस्ट है, एकरा के गीत गौनई के गीते गौनई तक रह दिया, गीत गौनई में ई शोभा ना देला, कहे से कि रोगा के चाहे केहू भी भोजपुरी के सुपर स्टार के पब्लिक बनौले बा और पब्लिक मनोरंजन खातिर बनौले बा, अगर पब्लिक गुंडागर्दी खातिर बनौले रही तो बहुत सारा हमनी के बिहार यूपी में माफिया लोग बा, लोग वहां सबके अलग काम बा, आपके अलग काम बा, आप एक गीत गाना बजाना वाला इंसान है, भाई लिख रहा है गोई गोलू सिंह क्यों उखाड़ लगाए बी पर पक पक कर,
भैया हम एफ बी पे नहीं कर रहे हैं, आज बहुत तकलीफ में आके हम ये बात बोल रहे हैं, एफ बी पे हम बकबक नहीं की कर, जिकरा हमरो उखाड़े के होके चाहे हमरा के मारे के होके तो वो आके तू तो सब लोग देख ले बा हमरा के हम कहाँ रही ला, सबके पता बा, रुआ मरवा दी चाहे पिटवा दी, वो ब्लू डार्ट का होगा। हाँ तो एगो गीत गौनाई करे वाला इंसान है और एगो सरस्वती पुत्र इस टाइप के ना, और सिर्फ आपका दुश्मन एक खेसारी लाल यादव हो है, खेसारी लाल यादव के लोग हैं। खेसारी लाल नहीं करना का ऐसे का हो जाए, खेसारी लाल यादव के कौन चीज हो जाए, हमारा तो बुझाता उतने गाने आवता उतने गानों बाजता सब कुछ तो उतने होता। तो भोजपुरी में भोजपुरी खाती आई बन जाए मनोरंजन करे खाती, एकरा के बढ़ावा मत दिहल जाओ, एकरा के एकदम हाथ जोड़ के रुआ सबसे प्रार्थना बा एकरा के रोक दही जा तो भलाई रही, सबके खाती भलाई रही, हमनी के भोजपुरी खाती भलाई रही, हमनी के भोजपुरी स्तर पर कबो ना आई रहे, ठीक बा। और ऐसा अगर करे के हुई तो हर इंसान के पास इतना ताकत है कि धोखे से किसी को कुछ कर सकता है, वो आपके पास भी है, आपके भी बहुत सारे लोग पटना में रहते हैं, हम भी पटना में रहते हैं, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके लोगों के साथ भी हो सकता है, जब केहू तुलिए जाइए यही पाइए जाइए कि हम गीत गाँव नहीं ना, जब प्रतिष्ठे के हनन हो जाए तो गीत गाँव नहीं की कोनो बातें ना रही, जब आज के हमारा ये करे के बाद तो मान ली रहो रे एगो अगर बात जा, आप हर बार आप लोग के ये होता कि ये कर देंगे वो कर देंगे, विवेक सिंह से मिले आप लोग तो हम मिल लेते हैं हम आ गए है? तीन मिनट पहले फोन कैले बड़ा उनकर फ्लाइट लेट हो गई बा, विवेक सिंह के देखा गई कि खेसारी लाल यादव के गाड़ी देते रहन इस सुन लेला विवेक सिंह जो कि बात कुछ और निकला। तो ये जोन राजनीति चलता है एकरा के बंद कर दिया जाए तो ठीक बा, है ना, तो ये बहुत ऊपर होके वाला बा और बहुत अनर्थ हो जाए। अगर आप लोग इतना दिन से पूछ रहे हैं कि आप चुप क्यों हैं, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों चुप हैं, आप क्यों बोल रहे, हम बोल नहीं पाएंगे, हमसे हो जाएगा, आप हमारी परेशानी को हमारे भावना को समझिए। और हम नहीं की चाहत कि भोजपुरी के हमनी के भोजपुरी खाती काम करते हैं, जब भोजपुरी में कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जा जौना से हमनी के कष्ट हो के। चलिए सबके हर हर महादेव, जय माता दी।